ग्वालियर में एक छात्र के इंस्टाग्राम आईडी हैक कर किसी ने अश्लील फोटो अपलोड कर दिए। इतना ही नहीं, छात्र और उसके पिता के नाम से कई अश्लील मैसेज भी टाइप किए गए। जब सोशल मीडिया पर छात्र की बदनामी हुई और आसपास के लोगों से पता लगा तो छात्र ने मामले की लिखित शिकायत क्राइम ब्रांच में की थी। सितंबर 2021 में यह शिकायत की गई थी, पर एक साल तक पुलिस खामोश रही और कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब आरोपी फिर छात्र के नाम से अश्लील सामग्री वायरल कर रहा है। मंगलवार को छात्र अपने पिता के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंचा और एएसपी क्राइम से मामले की शिकायत की। छात्र ने एक पड़ोसी पर संदेह जताया है। पड़ोसी का छात्र के पिता से लेन देन को लेकर विवाद था। क्राइम ब्रांच ने अब वापस मामले की जांच शुरू कर दी है। शहर के गोला का मंदिर पिंटो पार्क निवासी 16 वर्षीय छात्र ने मंगलवार को एसएसपी ऑफिस पहुंचकर एएसपी क्राइम राजेश दंडौतिया से शिकायत की है कि कोई शख्स ने उसकी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर इंस्टाग्राम आईडी को हैक कर लिया है। अब वह छात्र के नाम से ही अश्लील फोटोग्राफ्स अपलोड कर रहा है, साथ ही वह उसके पिता और उसके नाम से अश्लील मैसेज भी कर रहा है। उनको इस घटना के बारे में उस समय पता लगा जब उनके दोस्तों और रिश्तेदारों ने उनको कॉल कर बताया कि वह किस तरह के मटेरियल सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। समाज में बदनामी हो रही थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन कर रहा है। इसी संबंध में छात्र ने परेशान होकर 9 सितंबर 2021 को क्राइम ब्रांच में आवेदन दिया था, लेकिन उस समय पुलिस ने काफी सुस्ती से जांच शुरू की। एक साल तक कोई रिस्पांस भी नहीं दिया गया। हाल ही में पड़ोसी सुनील भदौरिया उर्फ बबलू ने घर पहुंचकर छात्र के पिता और छात्र को धमकाया और मामला वापस लेने के लिए कहा। इस पर छात्र और उसके परिजन कुछ समझ नहीं पाए कि यह ऐसा क्यों बोल रहा है। इसके बाद छात्र क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचा और पूरे मामले से अवगत कराया। तब वहां सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र भदौरिया ने उसे बताया कि उसके आवेदन पर जांच कर जिन नंबर से उसकी आईडी बनाई गई थी उनको 5 महीने पहले नोटिस भेजे गए थे। हाल ही में उन्हें जांच के लिए बुलाया गया था, जिस पर उन्होंने बौखला कर घर पहुंचकर धमकाया। जब छात्र से पूछा गया कि यह कौन है और उनसे उनका क्या विवाद है, तब छात्र ने बताया कि सुनील उनके पिता का दोस्त था। उसने पिता से 2 लाख रुपए लिए थे जो लौटाए नहीं। इस पर विवाद हुआ था। अब छात्र ने वापस एएसपी क्राइम को आवेदन देकर तत्काल कार्यवाही की मांग की है। इंस्टाग्राम की उसकी फर्जी आईडी बनाकर उसके फोटो और जो अश्लील फोटो उसमें लगाए जा रहे हैं, जिसमें उनका कोई संबंध नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, अनजान व्यक्ति के द्वारा यह बनाई गई है। इसमें उनके द्वारा नाम भी लिखा गया है, जिस पर उनको शंका है, और इस पर क्राइम ब्रांच थाना प्रभारी को निर्देशित कर दिया गया है। इसकी जाँच की जाकर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की है।